काशी के हर पक्ष मेरे साथ हैं और ओवैसी के इस बयान के बाद सबसे पहले मैं सरफराज भाई से बात करूंगा, मुस्लिम पक्ष से आते हैं। सरफराज भाई, ओवैसी साहब कह रहे हैं उम्मीद है जिला न्यायालय से न्याय मिलेगा और 91 के वर्शिप एक्ट की भी बात कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट ने यह भी कहा वजू करना चाहिए। आप लोग क्या मांग करते हैं? वजू की परमिशन होनी चाहिए चूंकि वो जगह सील हो गई। मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहीम और रहम करने वाला। देखिए, एक बात सब स्पष्ट आया है कि एक हमारी बहनों ने माँ सिंगार गौरी के लिए पिटीशन दाखिल की, जिस पिटीशन में उन्होंने मांग की कि हमें पूजा अर्चना के लिए इजाज़त दी जाए, और सर्वप्रथम उसमें मस्जिद नहीं लिखा था। कमीशन सरकार स्टेट सिविल जज ने कमीशन के लिए इजाज़त दी, उसमें लिखा नहीं था। कलेक्टर मौजूद था, कमिश्नर मौजूद था, नहीं था। लोगों ने कहा कि लेके लाइए, फिर उसके बाद मांग क्या कर रहे हैं सर? बहुत कुछ, वो टेक्निकल बात पे नहीं जाए। मांग आपने किया कि हमको पूजा अर्चना की मांग दी जाए, तो जब आप मांग कर रही हैं पूजा अर्चना की, तो कमीशन दाखिल होगा ना? तो कमीशन अभी दाखिल नहीं हुआ तो लकी फरमान आ गया कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, पेशाब खाना बंद कर दो, वजू खाना बंद कर दो। अरे लकी फरमान है ये, बता रहे। देखिए, ये केवल एक जबरदस्ती की बात है। बात यहाँ पे क्या है, हमारे बाबा विश्वनाथ की, हमारे आस्था की और हमारे प्राण की, और उसके साथ तुलना किस चीज की हो रही है, जहाँ पर कि कोई थूक रहा है। एक थूकने का स्थान की तुलना हमारे बाबा विश्वनाथ से की जा रही है कि और बात की जा रही है गंगा जमुना तहजीब की, कहाँ गंगा जमुना तहजीब? बताइए, अब आप वजू खाने में थूकने की बात कहाँ से? वजू खाने में थूकेगा तो उसे वजू कैसे, मुँह कैसे धोएगा? ये कहाँ, किसने बता दिया? वजू खाने से पानी लेकर मुँह पे डाल, पैर तो धुला जाता है ना वहाँ, कहाँ धुला? वहाँ पे बैठ के नाली होती है सब, उसमें उससे आपको तो ये पता था कि वहाँ पे शिवलिंग है, आपको ये पता था, उसके बाद भी आप कुल्ला कर रहे थे। आप औरंगजेब की गोद में बैठ के इस धरती का गेहूं और दाल अब नहीं खा सकते। अब आपको इस बात का जवाब देना होगा, आप वहाँ देख रहे थे, आपको पता था कि वहाँ शिवलिंग है, उसके बाद भी आप वहाँ कुल्ला कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? आप हमारी गंगा जमुना तहजीब की बात कहाँ रह गई? सर जवाब दीजिए तो। यहाँ बाबा विश्वनाथ यहाँ मिल गए हैं बड़े प्रेम से, आप हमारे भाई हो, जो आप अपने मंदिर का निर्माण करो। सर्वोच्च न्यायालय ने भी, इनकी जो मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को अवैध घोषित किया जाए, उन्होंने भी अवैध नहीं घोषित की, उन्होंने भी कहा कि नहीं, क्योंकि सर्वे कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है, उसमें शेषनाग की आकृति है। आम लोगों से भी पूछ लेते हैं, आप लोग क्या मानते हैं, कोर्ट में मामला है, आम लोग क्या? जी बिल्कुल, ये मामला जो कोर्ट में है, कोर्ट ने बिल्कुल हमारे हिंदुओं का क्या, हमारे भोलेनाथ का पक्ष लिया है। और जैसा कि आप लोग, भोलेनाथ पे वजू किया जा रहा था और मंदिर के अंदर सारे साक्ष्य मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं। आप मान रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग ही है? बिल्कुल, हमारे आप लोग क्या, वहाँ शिवलिंग है और ये कार्बन डेटिंग से मालूम है? बिल्कुल शिवलिंग है और वो दिखाया है साहब, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, यहाँ शिवलिंग था और वो बाबा विश्वनाथ। मेरी बात ये है, अब मुद्दा मंदिर मस्जिद खत्म हो रहा है, आगे फ्यूचर बताइए, शिवलिंग है या फव्वारा है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उस जो उसने वजू बंद किया ना, जो सुरक्षा की बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसको भी लग रहा है अब संभल गया। मैं सपा और कांग्रेस से पहले पूछ लूँ, ये कह रहे हैं तुगलकी फरमान है वजू खाने को सील कर। देखिए, कोर्ट जो आदेश देता है वो सब मानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ख्याल रखा है कि भाई आपको वजू करनी है, उसकी व्यवस्था की जाए, और सुप्रीम कोर्ट सबका संरक्षक है। समाजवादी पार्टी भी कुछ? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट के जो आदेश आ जाए हैं उसको सबको पढ़ना चाहिए। कोई आदेश नहीं हुआ है, लगातार जजमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को आदेश किया गया है। और ठीक है, लेकिन ये पक्ष कह रहा है, कोई कह रहा है वहाँ थूकते हैं, कोई कह रहा है वहाँ पे उसको तुगलकी फरमान ने क्यों सील कर दिया है। देखिए, अपना मत रख, आप लोग का क्या मत? नहीं, कोई मत नहीं है, हम न्यायालय के अधीन चल खेल रहे हैं, पर विश्वास रखते हैं। पता नहीं है, ये समाजवादी लोग हैं, ये सत्ता के लोग हैं, ये गोल गोल घुमाएंगे, इनका ना इस तरफ का मत है। हाँ, सत्ता इनकी है, शायद कंफ्यूज है, ये सत्ता में है। पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी, हाँ। कोडिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। Come here. Curiosity. Curiosity नहीं, curiosity. वो क्या? That's what brought you here. जो तुम्हें यहां तक ले आया। Curiosity. ABP News, आपको रखे आगे।